ये कहानी सरदार खान की है और ये दौर तब का है जब MBBS में रिटर्न एग्जाम्स हुआ करते थे और टेबल कुर्सी बेंच कोई भी पास हो जाया करता था और सरदार इसी का फायदा उठाकर ईयर दर ईयर पास करता जाता था। इसने जूनियर्स की रैंकिंग लेना सीनियर्स की इज्जत नहीं करने का कसम खा रखा था। इसका बैचमेट था रामाधीर सिंह जो क्लास में टॉप करता था जिससे सरदार की जलती थी और रामाधीर सिंह की अपनी गर्लफ्रेंड भी थी जिसके साथ वो लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ता था। सरदार हालांकि लाइब्रेरी सिर्फ एसी की हवा खाने जाता था लेकिन रामाधीर सिंह को देखकर 24 घंटे जलता रहता था। रिटर्न एग्जाम में चीट ले जाकर बाथरूम में जाकर चोरी करना सरदार खान के आम लक्षण थे, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट का अनाउंसमेंट हुआ और पता चला कि अब एग्जाम MCQ होने वाला है सरदार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और कहीं से उसे पता चला कि अब MCQ क्वेश्चन बैंक बनाने के बाद ही वो एग्जाम में पास कर सकता है। क्वेश्चन की तलाश में वो पहुंच गया अपने बैचमेट टॉपर रामाधीर सिंह के रूम के पास। यहाँ तो क्यों बैंक बनाया जा रहा है, एकदम ताजा लग रहे हो का, एकदम बाहर इतना बवाल चला है, नेक्स्ट वेक्स्ट हो रहा है का, तुम बैठ के चलो बताओ, उठो, अरे उठो अपना कुर्सी पर से, अब हमको बताओ कैसे पढ़ना है क्या करना है।